तो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स, तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस मुझे लगता है आपको जैसे ये इंट्रो समझ में आएगा आपको पीयूष वेब गेमिंग की याद आएगी, लेकिन ये एक्चुअली उसकी डायलॉग है ही नहीं, ये एक्चुअली मेरी डायलॉग है, क्योंकि उसका चैनल कब बना था, जून, पिछले साल के जून के महीने में, और मेरा ये डायलॉग है पिछले साल के जनवरी के महीने में मैंने बना दिया था। आपको वो क्लिप मैं दिखा नहीं दूंगा, आपको जाकर देखना पड़ेगा जनवरी 2022 में प्रणव ने क्या किया था, कैसा इंट्रो इस्तेमाल करता था, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली प्रणव ने ही ये इंट्रो बनाया था और पीयूष वेब गेमिंग उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी के साथ मैंने कंक्लूड कर दिया कि पीयूष गेमिंग इज एक्सपोज्ड, मैंने पीयूष वेब गेमिंग को एक्सपोज कर दिया है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, पर कोई बात नहीं गाइस। अब हम आ चुके हैं द हार्डेस्ट एलीट फोर मेंबर, The most impressive Elite Four member, the king of Elite Four members, the queen of all the Elite Four members, the champion, the man himself, Lance. तो क्या चाल लंस, कैसा है? क्या चाल ब्रोनो, कैसा है तू? मैं तो एकदम मस्त हूँ, तू बता? अरे अपन भी एकदम मस्त है रे। Interesting. So Lance, क्या लगता है? क्या मैं तुमसे जीत पाऊँगा? अरे बिल्कुल नहीं बिटू, अपन तो आराम से जीत जाएगा। सो गाइस लैंस के पास बेसिकली है दो टीम, वो अच्छी बात है या बुरी बात है वो अलग बात है, लेकिन लैंस के पास है दो टीम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखना, क्यों? क्योंकि ये सब कुछ बदल देगा। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये बदलेगा क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। ये एक काम माइंड आरसीएस है जो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से मीटियर मैच को वन शॉट करना चाहिए, क्योंकि इसके पास एक 93.7% चांस है वन शॉट करने का, और वो 93.7% काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हमारे पास प्रायोरिटी बुलेट पंच है, तो आरसीएस तो गया गई थी, पैरी टाइप वाला आरसीएस था जो और भी ज्यादा अच्छा है, और हमने मेल मेटल को भी उड़ा दिया गाइस, नाइस। और भाई प्राइमल डी हॉल को आ गया है गाइस बाहर, ये सबसे खतरनाक पोकेमोन है। अरे इसका फोकस साइज काम ही नहीं आया गाइस, अच्छा स्टेल्थ रॉक सेटअप हो गया था, मैं तो भूल ही गया गाइस। ओ ये गंदा वाला पोकेमोन है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, मैं बताता हूँ गाइस इसके पास क्या है, क्योंकि मेरे पास इस रेडिकल रेड हार्डकोर रैंडमाइजर को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये क्या है और ये क्यों है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लैंस की टीम में आखिर है क्या, क्योंकि आपको तो पता होना ही चाहिए कि लैंस की टीम में है क्या, क्योंकि आप देख रहे हैं, लेकिन आपको बताना ही क्यों है, क्योंकि आप तो वैसे भी देख रहे हो, तो आपको वैसे भी दिख ही जाएगा एंडिंग में कि लैंस के सारे पोकेमॉन हैं क्या। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, लैंस के पास है दो टीम, एक है काम वाला टीम और दूसरा है हम कौन सा वाला टीम, ब्रेव टीम, हाँ तो हम बोल्ड टीम, तो हम खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता सही में कि हम कौन से टीम में खेल रहे हैं, पर मैं बस इतना जरूर बता सकता हूँ कि आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास एक बहुत ही खतरनाक पोकेमोन है। मैं तो थक गया यार उसे बैटल करते करते, तो हारने हार मान ही नहीं रहा गाइस, कम ऑन यार हार मान ले भाई तू। ओ रेक्वाजा आ गया गाइस बाहर, यही तो इसकी तो बात कर रहा हूँ मैं, लैंस फर्वेंट विश हैज रीच्ड रेक्वाजा, मतलब क्या है मेगा स्टोन, बेसिकली मेगा एवोल्यूशन है गाइस, ये लो गाइस मेगा शाइनी रेक्वाजा डेल्टा स्ट्रीम प्रोटेक्टिंग फ्लाइंग टाइप पोकेमोन, वाह भाई इसका डिफेंस और स्पेशल डिफेंस दोनों गिर गया, जो काफी अच्छी बात है। नहीं यार हर बार आरसीएस में स्विच कर लेता, गंदा ये गंदा वाला, अबे कितना भाई ये लालची, आरसीएस बहुत ही लालची बन रहा था गाइस सच बोलूं तो इसलिए मैंने इसे उड़ा दिया। अब इस फाइनल बुलेट पंच मारते हैं, उसके बाद हम मोबाइल का शॉट जैसे अभी वन शॉट कर देगा, दो पोकेमॉन बचे हैं जीत सकते हैं वाला, ओके नाइस,
ये वैसे गए मैं आपको बता दूं, ये फोकस साइज वाला नहीं था, ये डायरेक्ट किया हुआ था। अब इसके पास कौन सा पोकेमॉन बचा है मुझे वो सोचना पड़ेगा। वो कौन सा पोकेमॉन था मैं भूल गया गाइस, ड्रैगनाइट है शायद, ड्रैगनाइट है, आई एम नॉट 100% श्योर, हां ड्रैगनाइट ही। अब मैं चॉइस बैंड में लॉक हो चुका हूं, तो मैं तो कुछ करने से रहा, लेकिन मैं इसका मल्टी स्केल तोड़ सकता हूं। और फिर अभी ग्रेनिंजा का आइस भी वन शॉट करना चाहिए, क्योंकि इसका भी मल्टी स्केल नहीं है। मल्टी स्केल का बस बेसिक मतलब ये होता है, जब ये फुल एचपी पे होता है तो हमारे सारे अटैक जो है 50% कम डैमेज देते हैं। तो अगर मैं 4 times इफेक्टिव आइस बीम भी मारूंगा तब भी वो बच जाएगा। आई हेट टू एडमिट इट, लेकिन तुम एक पोकेमॉन मास्टर बन चुके। जी हाँ, यू आर नॉट द चैंपियन येट। शरद ने एलीट फोर मेंबर को पहले ही हरा दिया यार। अब गाइस अगला वीडियो बनने वाला है द अल्टीमेट चैलेंज। हम खेलने वाले हैं शरद के साथ एक फाइनल गेम और देखेंगे क्या हम जीत पाएंगे या नहीं। अगर आप उस वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो पर जैसे ही 150 व्यूज कंप्लीट होंगे मैं वो वीडियो डाल दूंगा, और अगर ये पहले दिन में ही हो गया तो वो वीडियो उसी दिन आ ही जाएगा। तो गाइस मैं मिलूंगा आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ माय फ्रेंड।